जय हिंद साथियों, आज मैं आप लोग को आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो 1600 मीटर रनिंग है और लड़की लोग के लिए 800 मीटर का रनिंग है, वो किस प्रकार आप लोग को पास करना है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। क्या अभी से ही तैयारी कर देना चाहिए 800 मीटर रनिंग या 1600 मीटर रनिंग, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं सारा डाउट्स आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। जितने भी भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि सर रनिंग के ऊपर वीडियो बना दीजिए, रनिंग किस प्रकार करें ताकि 1600 मीटर पास हो जाएं किसी तरह, और 1600 मीटर रनिंग के साथ साथ में हाई जंप लॉन्ग जंप है वो ही मैं बताने वाला हूँ, कितना बार चांस दिया जाता है वो सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आप लोग को मिस ना हो जाए, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को 1600 मीटर रनिंग कैसे करना है तैयारी वो चीज़ मैं बता देता हूँ। तो आप लोग को डायरेक्ट 1600 मीटर रनिंग नहीं लगाना है फील्ड पे, और तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए ताकि उस टाइम आप लोग को चांस बहुत कम मिलेगा। जब रिजल्ट हो जाएगा तो आप लोग सोचिएगा काश मैं पहले से ही तैयारी कर ले रहता तो आज फ़ायदा होता। तो रिजल्ट के एक महीना के बाद आपको फिजिकल का कॉल लेटर आ जाएगा, और वो एक महीना चलता है, तो मैक्सिमम दो महीना आप लोगों को टाइम मिलेगा। किन्हीं किन्हीं को दो महीना मिलेगा, किन्हीं को डेढ़ महीना मिलेगा चांसेज। तो आप लोग दो महीना में या डेढ़ महीना में, ये तो कंफर्म है कि 1600 मीटर रनिंग और 14 मीटर लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप और 14 फीट लॉन्ग जंप नहीं बना पाइएगा। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, अपना होम ग्राउंड में जाइए नज़दीकी ग्राउंड में, ताकि अभी से ही प्रैक्टिस रहेगा तो उस टाइम बहुत आसान हो जाएगा। तो रनिंग किस प्रकार करना है, सबसे पहले वार्म अप कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, उसके बाद रनिंग करना चाहिए। और रनिंग आप लोग को 1600 मीटर डायरेक्ट नहीं करना है, और 800 मीटर लड़कियों लोग के लिए डायरेक्ट नहीं करना है वो, उनको लड़की लोग के लिए मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि कम से कम वो 2.5 से 3 किलोमीटर डेली रनिंग करिए। 2.5 से 3 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आप वीकली में टेस्ट लगाइए 800 मीटर का, जो भी टाइमिंग है आपको 3 मिनट 40 सेकेंड वो वीकली में लगाइए 800 मीटर, बाकी डेली आपको 3 किलोमीटर मैक्सिमम दौड़िए, तब जाके आपको पैर पूरा फ्री हो जाएगा और हफनी पच जाएगा। ये दोनों कंट्रोल हो गया, हफनी पच गया और पैर फ्री हो गया, तो 800 मीटर रनिंग आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। बात आता है 1600 मीटर रनिंग लड़कों लग के लिए, जो एसआई के लिए 6 मिनट 30 सेकंड है और कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड है। इन लोगों के लिए भी मैं वही सजेशन देना चाहता हूँ, कम से कम आप लोग को 5 किलोमीटर डेली रनिंग करना है। लॉन्ग रनिंग से ही 1600 मीटर अधिकतर लोग को बनता है, शॉर्ट रनिंग से नहीं बनता है। जहाँ तक कि मेरा ओपिनियन है, मैं जब रनिंग करता था तो डेली 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग करता था, कभी कभी 8 किलोमीटर, तो मैं 25 किलोमीटर भी रनिंग किया हूँ। आप लोगों को पता है या नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड का जो भी फिजिकल होता है 25 किलोमीटर रनिंग का होता है, वो पैदल चाल होता है, रनिंग उसको नहीं करते, लेकिन हाँ उसमें भी आपको पैदल से काम नहीं बनता है, आपको रनिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग छटते भी हैं। तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार पास करना है 1600 मीटर, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1600 मीटर पास करना है तो कैसे करना है, ठीक ना। तो 5 किलोमीटर कम से कम आपको तो करना ही पड़ेगा, तब जाके 5:45 और 6:30 में पास हो पाइएगा। तो लड़का और लड़की दोनों के लिए मैं बता दिया हूँ, 800 मीटर रनिंग लड़कियों के लिए है और 1600 मीटर रनिंग जो है लड़कों के लिए है। टाइम डिफरेंस है लेकिन आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। बात रह गया जो हाई जंप और लॉन्ग जंप है, इसको कैसे करें, तो इसको डेली नहीं करना है, नहीं तो पैर में आपको दर्द बहुत सारे कबर जाएंगे, जो घुटना होता है टखना होता है इस समय दर्द हो जाता है, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करना है, ज़्यादा नहीं करना है अभी से, लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उस टाइम आपको करना है। और इसका चांस जो है ग्राउंड में जो
आपको फिजिकल लिया जाएगा, जहां पे दो चांस दिया जाएगा, मैक्सिमम दो ही चांस मिलता है आरपीएफ में। वैसे स्टेट पुलिस में तो तीन टाइम्स मिलता है, लेकिन मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि दो चांस मिलेगा हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए। तो ये दोनों के लिए आप लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, सप्ताह में दो बार तीन बार कर दीजिए, लेकिन कंटिन्यू नहीं करिए, तो जाके आप लोग को फिजिकल कंप्लीट हो पाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, आप लोग को समझने में मतलब समझ गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।